नहीं चलेगा। पीड़ितों की हत्या और शोषण की मंच जिंदाबाद, हिमाचल सरकार मुर्दाबाद, लगानी होगी। महिला हिस्सा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद चलेगा। दलित विरोधी प्रदेश सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलित विरोधी प्रदेश सरकार है, 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 है। इन्हीं को मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। नदी को मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। लक्ष्मी भारती को पेमेंट देनी होगी, लक्ष्मी भारती को पेमेंट। सरकार है, 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 है। देनी होगी। दलित का विरोध करने वाली सरकार है, 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 है। दलितों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों पर अत्याचार करो। जिला प्रशासन होश में। दलितों के साथ भेदभाव करने वालों के खिलाफ क्या करना होगा। आरक्षित बिलों मीनाक्षी भारती के साथ बिलों का भुगतान करना होगा, करना होगा, करना। के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दलितों के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। आज जो दलित शोषण मुक्ति मंच हिमाचल प्रदेश की तरफ से यहाँ जिलाधीश कार्यालय के बाहर जो धरना किया गया है, ये धरना असल में जो हिमाचल प्रदेश की सरकार और जो हमारा प्रशासन है उसका जो रवैया दलितों के प्रति जो पूरा भेदभावपूर्ण और एडियल रवैया है उसके खिलाफ आज हमें प्रदर्शन यहाँ पर किया। अभी जो कुमार सेन के अंदर जो SDM कार्यालय का जो रिपेयर का काम एक राजेश भारती ठेकेदार द्वारा किया और 8 मार्च को ठेकेदार जी का हार्ट अटैक से मौत हो गई और जो उन्होंने वहाँ पर काम किया था उसका 3,28,000 रुपये का बिल बना था। अब वो जो बिल का जो भुगतान करना था वो उनकी पत्नी मीनाक्षी भारती जी को करना था। वो बार बार जिलाधीश कार्यालय SDM के कार्यालय के चक्कर काटती रही कि मेरा पेमेंट कर दिया जाए, परंतु आज तक उसके बिलों का जो भुगतान है वो नहीं किया। बार बार जो है टाल मटोल सरकार और प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। हमने अभी 13 जुलाई को जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन दिया था जिसमें CPIM के जो विधायक है साथी राकेश सिंघा जी वो भी मौजूद थे और सरकार जिला प्रशासन ने कहा था हम इसका तुरंत भुगतान करेंगे, परंतु वो भुगतान अभी तक नहीं किया गया है जिस वजह से आज हम यहाँ पर प्रदर्शन किया है और आज भी जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देंगे कि उनके बिल का तुरंत जो है भुगतान करें। वो एक बहुत गरीब और दलित महिला है, उसने बहुत सारे बिलों का लोगों का पैसा देना है, तो इसलिए हमारा ये मांग है। दूसरा है जो प्रदेश के अंदर दलितों पर हर रोज़ कोई ना कोई हत्या या भेदभाव के मामले लगातार इस सरकार के चलते बढ़ रहे हैं। अभी करसो के अंदर जो एक विमला देवी विधवा दलित महिला थी उसकी हत्या हुई और निर्मम हत्या हुई है। 18 घाव उसके शरीर पर किए गए और प्रशासन ने एट्रोसिटीज एक्ट में केस दर्ज नहीं किया। दलित शोषण मुक्ति मंच ने इस आवाज़ को उठाया और एट्रोसिटीज एक्ट में केस दर्ज कराया, परंतु जो उसको मुआवजा सरकार की तरफ से मिलना है, सहायता राशि मिलना है, एट्रोसिटीज SC ST एक्ट में जो प्रावधान है कि FIR दर्ज होने के बाद या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के तुरंत बाद उसको जो मुआवजा मिलना है उसका 50% जो राशि है उसको तुरंत भुगतान करना है। तो 22 जून को उनकी हत्या करसो के अंदर हुई तो अभी तक उसको जो मुआवजा राशि मिलना था वो सरकार नहीं दे रही है। बजट का बहाना बनाया जा रहा है कि बजट हमारे पास नहीं है, तो इससे लगता है कि जो सरकार है पूरी तरह से दलित विरोधी रवैया अपनाए हुए हैं। वैसा ही केस चौपाल के अंदर हुआ था, साथी रजत की हत्या हुई थी, वहाँ पर उसकी माता का जो पेंशन लगी थी वो प्रशासन ने बंद कर दी। तो इसके पीछे क्या है कि जानबूझकर दलितों को एक तो उनकी हत्याएं हो रही है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, दूसरी तरफ सरकार का जो नकारात्मक रवैया उनके प्रति है वो अपने आप में खेदजनक है। और आज हम इसी बात को लेके आए हैं कि जो जिला प्रशासन और सरकार को कहना चाहते हैं कि लगातार चाहे मंदिर जाने की घटना है, चाहे मिड डे मील के अंदर है जो बच्चों को अलग अलग बिठाने की घटना है, चाहे उनसे जाति भेदभाव की घटना है, वो लगातार बढ़ रही है और सरकार जानबूझकर इसको प्रोत्साहित भी कर रही है। अगर सरकार चाहे इनको रोकना तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से इसको रोक सकती है, पर सरकार ऐसा नहीं कर रही है। तो हम ये कहने आए हैं आज और ये जो प्रदर्शन भी किया है
कि सरकार तुरंत जो है दलितों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको तुरंत रोके और जो मीनाक्षी के बिलों का भुगतान है एसडीएम कार्यालय के रिपेयर का उसको तुरंत करें और विमला देवी को जो है वो जो मुआवजा राशि है करसोग में जिसकी हत्या हुई है उसको तुरंत मुआवजा दिया जाए और जो चौपाल के अंदर रजत की हत्या हुई है उनकी माँ को जो पेंशन लगी उसको बहाल किया जाए। इन सारे मुद्दों को लेकर हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए और प्रदर्शन किया है। अगर सरकार नहीं मानी तो इसको आंदोलन आगे और इसको तेज किया जाएगा और पूरे प्रदेश में इसको हम बढ़ाएंगे। दलितों के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, टाल मटोल नहीं चलेगा।